वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरी जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु आप लोगों को आत्मिक चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करें। प्रियजनों, आज एक ऐसे विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे जिसके विषय में अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर हम आशीष से वंचित क्यों हैं, क्यों हमारे जीवन में आशीष ठहरती नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सेवा के काम करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी इंसान कभी कभी ये महसूस करता है कि उसके जीवन में शांति नहीं है, आशीष नहीं है। तो आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में इन आशीषों को रोकती हैं, कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे जीवन में आशीषों को ब्लॉक करती हैं। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 और उससे आगे पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि आदम ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जैसे ही उसने आज्ञा का उल्लंघन किया वह ईश्वर की उस महिमा से वंचित हो गया जो उसे प्रदान की गई थी। आज्ञा भंग करने से पहले तक आदम परमेश्वर की उपस्थिति में रहता और परमेश्वर रोज उससे बातें किया करता था। अदन वाटिका में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता और वह उसके साथ टहलता था। लेकिन जैसे ही आदम ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उसे अपना ही अपराध बोध खाने लगा, वो डरने लगा, उसने अपने आप को जाकर झाड़ियों में छिपा लिया। और जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तुम कहाँ हो, तो उसने कहा कि मैं तेरी आवाज सुन के डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं। प्रभु ने कहा, किसने तुझे बताया कि तुम नंगे हो, क्या तुमने उस फल को खाया जिसे खाने के लिए मैंने मना किया था। और आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा है उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। स्त्री से भी वही सवाल किया गया कि ये तूने क्या किया, और उसने कहा सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, और यही सिलसिला चलता रहा और इसके बाद उन्हें अदन वाटिका से वंचित रहना पड़ा, यानी कि ईश्वर की आशीष से उन्हें वंचित रहना पड़ा, अदन की उस वाटिका से उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि इंसान अगर ईश्वर की आशीष से वंचित होता है तो स्वयं अपने कार्यों के द्वारा, अपने बुरे कर्मों के द्वारा, आज्ञा उल्लंघन के द्वारा। तो आशीष नहीं मिलती, इसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, पवित्र शास्त्र के नियमों का उल्लंघन, ईश्वर के 10 हुक्मों का उल्लंघन करना। ईश्वर
जैसा हमसे चाहता है उसको नहीं कर पाना और हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। अगर हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में आशीष नहीं ठहरेगी। दूसरी बात, हमारे जीवन में जो इस आशीष को रोकती है कि हम प्रभु के वचन का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि हम ना तो वचन पढ़ते हैं और ना ही सुनते हैं और ना ही उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात प्रियजनों, कि इंसान अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करता है। अब आदम के विषय में ही ले लीजिए कि आदम ने स्वीकार नहीं किया कि मैंने गलती की है, लेकिन उसने हेवा के ऊपर दोष लगा दिया और हेवा ने सांप के ऊपर दोष लगा दिया। तो आशीषें नहीं मिलती, आशीषें ब्लॉक रहती हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण प्यारे भाइयों और बहनों ये है कि प्रायश्चित और स्वीकृति नहीं है। परंतु इसके विषय में बाइबल ये कहती है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में, कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। मैं समझता हूं कि यदि आदम ने और हेवा ने एक दूसरे पर दोष लगाने से अच्छा अगर प्रायश्चित किया होता, प्रभु से क्षमा मांग ली होती, तो उन्हें क्षमा मिल गई होती। लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि इंसान का हृदय बचपन से बुराई की ओर है, इंसान का झुकाव बचपन से बुराई की ओर है, क्योंकि ये बात हमने अपने पूर्वजों से, आदम और हवा से इनहेरिट किया, और यही कारण है कि वो प्रवृत्ति हमारे जीवन में कायम रहती है। चौथी बात, आशीष हमारे जीवन में क्यों नहीं ठहरती? पाप हमारे जीवन में बाधा बन जाता है। संत पौलुस बताता है कि पाप का वेतन मृत्यु है, जो पाप करता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है और अपने आप को नष्ट कर लेता है। इस विषय में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1-4 में प्रभु का वचन स्पष्ट करता है कि पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए तुम क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह तुम पाप से दूर भाग जाओ, यदि तुम पास आओगे तो वह तुमको काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। देखिए पाप क्या करता है, मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है। प्रत्येक अपराध प्रवक्ता कहता है कि दुधारी तलवार के जैसा है, उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। और यह पाप जब इंसान की जिंदगी में प्रवेश कर जाता है तो यह उसकी आत्मा को नष्ट कर देता है, और जब तक वो इन पापों के लिए क्षमा नहीं मांगता तो उसके जीवन में आशीष नहीं आती, वो ब्लॉक रहती है। और शैतान नहीं चाहता कि आप उस आशीष से भरपूर रहें, बल्कि वो चाहता है कि आप उस आशीष से वंचित रहें। पांचवी बात प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में आशीष ठहरती नहीं क्योंकि हमारी भक्ति और निष्ठा उसमें दृढ़ता नहीं है। हमारी भक्ति में और हमारी निष्ठा में दृढ़ता नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारा स्वार्थ है, बहुत सारे काम शायद हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, और यही कारण है कि हम आशीषों से वंचित रहते हैं। तो सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन ये कहता है कि भक्ति और निष्ठा से ही पाप का प्रायश्चित होता है, और जब प्रायश्चित होता है तो आशीषें खुद ब खुद आने लगती हैं।
स्वर्ग खुल जाता है और परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। क्योंकि हमारे जीवन में भक्ति और निष्ठा नहीं है, अगर है भी तो वो स्वार्थ परता से परिपूर्ण है, और अगर है भी तो प्रियजनों उसमें दृढ़ता नहीं है, और इसी के कारण हम प्रायश्चित करने में असमर्थ रहते हैं और आशीषों से हम वंचित रहते हैं। तो लिखा है कि प्रभु पर श्रद्धा के द्वारा मनुष्य बुराई से दूर रहता है। प्रभु पर श्रद्धा के कारण मनुष्य बुराई से दूर रहता है। तो यदि हम आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मेरे और आपके लिए निहायत ही जरूरी है कि हमारी धार्मिकता, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा में दृढ़ता बनी रहे। जो श्रद्धा पूर्वक प्रभु में दृढ़ रहता है, प्रियजनों, उसके जीवन में ईश्वर की आशीष सदा बरकरार रहती है। इंसान को यह समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर खुले हाथों देता है, उसके आशीष के भंडार जो है हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन हम उस आशीष को बटोरने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि हम उसके पास नहीं जाते। पाप हमारे जीवन में इस कदर अपना कब्जा कर लेता है कि वह हमें विनाश की ओर लेकर जाना चाहता है। तो बाइबल हमें बताती है, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 में, कि जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तो मैंने कहा कि आशीषें जीवन में रुकती नहीं है, परिवार में रुकती नहीं है। इसका एक मुख्य कारण है इंसान की जिंदगी में पाप, और यह पाप क्या है? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। अब आप पूछेंगे कि ईश्वर की आज्ञाएं कौन सी हैं? ईश्वर की आज्ञाएं बाइबल हमें बताती है कि 10 हुक्म इसराइलियों को परमेश्वर ने दिए कि एक परमेश्वर की आराधना कर, उसका दिन पवित्र रख, उसको छोड़कर किसी दूसरे की आराधना मत कर, माता पिता का आदर कर, प्रभु का दिन पवित्र रख, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, हत्या मत कर, झूठी गवाही ना दे, पराए धन का लालच ना कर, अपराई स्त्री की कामना ना कर। ये ईश्वर की आज्ञाएं थीं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को, इसराइलियों को दी। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी कि तुम इस पर चलो और तब तुम मेरी मर्जी पूरी करोगे। और इंसान अपने जीवन में जब इन 10 हुक्मों का उल्लंघन करता है तो वो आशीष से वंचित हो जाता है। पूरे दिन भर में कभी ना कभी इंसान किसी न किसी नियम का उल्लंघन अवश्य करता है और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चला जाता है, और स्वाभाविक है कि उसे महिमा से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए संत पौलुस रोमियों को लिखता है अध्याय 3 पद संख्या 23 में कि सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। सबने मतलब कोई भी अच्छा नहीं है, छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी अच्छा नहीं है, सबने पाप किया है। और बाइबल हमें बताती है कि जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो मैं और आप प्रियजनों इस यात्रा में हैं कि हम लगातार अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कार्य करें। पापों के प्रायश्चित के लिए बहुत सारे उपाय सुझाए गए हैं और बाइबल इसके विषय में हमें बताती है कि दशमांश आपके पापों को ढक लेता है, सेवकाई, दान पुण्य, किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को जो लोगों के द्वारा तिरस्कृत किया गया हो उसे एक ग्लास ठंडा पानी भर पिलाना, आप प्रभु के लिए वो कार्य करते हैं। बंदियों से मिलना, रोगियों से भेंट करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उपवास करना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, सेवकाई का हिस्सा बनना, ईश्वर की पहचान में आगे बढ़ना, धार्मिकता पर चलना, ऐसे तमाम छोटे छोटे कार्य
हमारी जिंदगी में हम कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। और इतना ही नहीं, कलीसिया में प्यारे भाइयों और बहनों, पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करना और प्रभु अपने अभिषिक्तों के द्वारा, जैसा कि उसने कहा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे और जिसके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वो क्षमा नहीं होंगे, जिसका तुम पृथ्वी पर निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा और पृथ्वी पर जिसकी आज्ञा दोगे स्वर्ग में भी उसकी आज्ञा रहेगी। प्रियजनों, ये वचन यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए, 12 प्रेरितों को जब उसने चुना तो ये उन्हें समझाया और उन्हें ये सेवकाई का कार्यभार सौंपा और उनसे कहा कि जाओ, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, बंदियों को रिहा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, रोगियों के लिए प्रार्थना करो, उन पर हाथ रखो और वे चंगे हो जाएंगे। ये आदेश देकर यीशु ने अपने चेलों को गांव गांव में भेजा। और आज प्यारे भाइयों और बहनों, कैथोलिक कलीसिया विश्वास करती है कि प्रभु ने अपने चुने हुए पुरोहितों को ये आदेश दिया, उन्हें ये अधिकार दिया और कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार का प्रावधान है, जिसके द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इंसान को अपने जीवन में इस बात पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके जीवन में बाधा बनी हुई हैं, बंधन बने हुए हैं, जिसकी वजह से घर में आशीष नहीं है। घर में बहुत सारे ऐसे बंधन जिनकी वजह से ये आशीषें ब्लॉक रहती हैं, प्यारे भाइयों और बहनों मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पाप की श्रेणी में अगर हम देखें तो हमारी शारीरिक वासना, हमारी स्वार्थपरता, हमारे अपने ही पाप और कमजोरियां, अनेक प्रकार की बातों में और बुराइयों में फंसे रहना, हमारा क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, ये आशीषों को ब्लॉक करता है। ये आशीषों को प्यारे भाइयों और बहनों परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में आने से रोकता है। अगर इंसान इन सारी बातों से ग्रसित है तो उसके जीवन में बरकतों का अभाव रहेगा। लेकिन इतना याद रखिए कि जैसे प्रभु ने संत पौलुस से कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, अगर हम प्रयास करते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं और हम धार्मिकता के मार्ग पर आगे चलते हैं तो प्रभु भी हमारी मेहनत को आशीष देता है और उस मेहनत के बदौलत वो हमें अपनी बरकतों से परिपूर्ण करता है और हमारे जीवन में शांति आ जाती है। तो इंसान के जीवन में हर पाप उसके जीवन की और उसके परिवार की एक कमजोर कड़ी है। इंसान के जीवन में हर पाप, हर बुराई, हर बंधन उसके परिवार में एक कमजोर कड़ी है प्यारे भाई और बहनों। और इस कमजोर कड़ी को अपने जीवन में सुधारने की आवश्यकता है। जब तक हम पाप को अपने जीवन में इजाजत नहीं देते तब तक वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक हम शैतान को इजाजत नहीं देते तब तक वो इंसान की जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो हर पाप शैतान को निमंत्रण देता है और ईश्वर को हमारा घर छोड़ने पर मजबूर करता है। और जब ईश्वर हमारे घर में नहीं रहता तो स्वाभाविक है कि शैतान का पहरा वहां पर रहता है और हम आशीषों से वंचित रहते हैं, क्योंकि शैतान मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए आता। यीशु ने कहा यूहन्न के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, लेकिन यीशु जीवन देने के लिए आता है, यीशु आशीष देने के लिए आता है, यीशु
आपके उद्धार के लिए आता है, यीशु आपके कल्याण के लिए आता है। और जब यीशु आपके घर में है तो आपके घर में उद्धार है, शांति है, मुक्ति है। बाइबल हमें ऐसा ही बताती है। वह जिस जिस घर में गया, जिस जिस घर में उसने कदम रखे, जिस जिस व्यक्ति के साथ उसकी मुलाकात हुई, उनके जीवन बदल गए, उनके जीवन में बरकतें आ गईं। मत्ती को उसने चुंगी घर से बुला लिया और मत्ती उसके पीछे हो लिया। जकेउस को उसने पेड़ से नीचे बुला लिया और उसके घर में गया और जकेउस का जीवन बदल गया, आशीषें ही आशीषें आ गईं। उसने अपने जीवन से हर बुराई को दूर कर दिया और प्रभु में वो उसने शांति को प्राप्त किया। जेरूस के घर में गया तो प्यारे भाई प्यारी बहन उसकी बेटी को जीवन मिल गया। तो यीशु का हमारे जीवन में, हमारे परिवार में रहना हमें शांति और आशीष प्रदान करता है। यीशु का हमारे घर में रहने का मतलब ये है कि प्रभु का वचन हमारे रोज़मर्रा की जिंदगी में सुना जाए, पढ़ा जाए, मनन चिंतन किया जाए और संहिता की चर्चा की जाए, क्योंकि बाइबल कहती है आपका जीवन इन वचनों पर निर्भर है, किसी और बात पर नहीं, क्योंकि ये वचन आत्मा और जीवन है, यीशु ने कहा। और इन वचनों के द्वारा आपका और सारी मानव जाति का उद्धार हो गया है। तो ये पाप की श्रेणी के अंतर्गत जितने भी बंधन हैं, ये हमारे जीवन में आशीषों को रोकते हैं। बाइबल हमें बताती इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता है। सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद यदि कोई जानबूझकर इन गलतियों को दोहराता है, पाप करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पापों का प्रायश्चित नहीं रह जाता। अब मर्जी आपकी है कि आप किस तरीके का जीवन बिताना चाहते हैं। आप आशीषों में रहना चाहते हैं या फिर आशीषों से वंचित रहना चाहते हैं। अगर आपको सत्य का ज्ञान है तो नित्य प्रतिदिन प्रयास करने की जरूरत है कि हम प्रभु के साथ रहें, प्रभु का वचन हमारा पथ आलोकित करे। जानते हुए भी यदि हम अपने भाई या बहन को क्षमा नहीं करते तो प्रियजनों हम आशीष से वंचित रहते हैं। तो छठवीं बात जो आशीषों को हमारे जीवन में रोकती है आने से, वो ये है कि अपने भाई या बहन या पड़ोसी को या फिर किसी अधिकारी को जिसने हमें सताया हो क्षमा नहीं कर पाना, ये हमारे जीवन में आशीषों को रोकती है। आप 100 काम अच्छाई के करते होंगे, प्रार्थना, उपवास, दान पुण्य, सेवा, दशमांश, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने भाई या बहन को क्षमा करने में असमर्थ है तो उसके जीवन में ये बंधन है, ये आशीष उसके जीवन में ब्लॉक हो चुकी है। जब तक कि वह प्रायश्चित नहीं कर लेता, जब तक अपने भाई या बहन से समझौता नहीं कर लेता, वो आशीष का द्वार उसके जीवन में नहीं खुलेगा। छठवीं बात प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 2 में कि अन्याय की संपत्ति से कोई लाभ नहीं है किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। तो हमारी धार्मिकता हमें आशीषें प्रदान करती है, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया है। तो अगर हम इस बात पर मनन चिंतन करें, इस वचन को हम ध्यान पूर्वक सुने और समझें, तो हमारा अधर्म हमारे जीवन में आशीषों को रोक देता है। अधर्म का मतलब हर प्रकार का गलत कार्य जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, वो हमारे जीवन में आशीषों को रोक देता है। सातवीं बात जो हमारे जीवन में आशीषों को रोकती है वह है अपवित्रता। और बाइबल इसके विषय में कहती है कि पवित्रता और विनम्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। तो यदि हमारा मन, हमारी आंखें, हमारी दृष्टि, हमारी श्रवण शक्ति,
हमारे होंठ, हमारी जुबान, हमारे विचार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में आशीष हमसे उतनी ही दूर रहेगी। क्योंकि अगर हमारे होंठ शुद्ध नहीं है तो हम अपवित्र बातें बोलेंगे, हम दूसरों के विनाश की बातें बोलेंगे, हम दूसरों के विनाश के विषय में षड्यंत्र रचेंगे, ईर्ष्या और अनेक प्रकार की अश्लील बातें मुख से निकलेंगी जो हमारे होठों को अपवित्र करती हैं प्रियजनों, और हमें आशीष से वंचित करती हैं। आठवीं बात कि इंसान अपने जीवन में स्वार्थी हो जाता है, लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है और खोटे तराजू को इस्तेमाल करने लगता है, वो अन्याय के काम करने लगता है। और इसके विषय में बाइबल कहती है कि प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है। नीति वचन अध्याय 11 पद संख्या 1, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1, प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है किंतु उसे सही बाट पसंद है। और जिसका बाट सही है, जिसके रास्ते ठीक हैं, जिसके कार्य अच्छे हैं, प्रभु उसे आशीष और बरकत हमेशा हमेशा के लिए प्रदान करता है। नौवीं बात प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि मैं तो तुम्हारे कल्याण की बातें सोचता हूं, मुझे तुम्हारी भलाई करने में आनंद आता है। मैंने तुम्हें कितना पुकारा लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 24, मैंने पुकारा तुमने मेरी नहीं सुनी, मैंने अपना हाथ पसारा लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें पुकारा लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी, मैंने अपना हाथ पसारा तुमने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि तुम आशीषों से वंचित हो, महिमा से वंचित हो। दसवीं बात प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की शिक्षा से नफरत किया, उन्होंने क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझा, और यही कारण है कि आज बहुत से लोग ईश्वर की आशीष से वंचित हैं। प्रभु को स्वीकार नहीं किया, प्रभु का भय नहीं माना, पवित्र शास्त्र की बातों को जीवन में लागू नहीं किया। प्रियजनों, इसके कारण उनके जीवन में बहुत सारा अंधकार है। एक और विशेष बात जो हमारे जीवन में आशीषों से हमें वंचित रखती है कि हमारा अपने ही व्यक्तिगत जीवन पर क्या है, कंट्रोल नहीं है। वी डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन आवर पर्सनल लाइफ। हम हर काम को करने के लिए सोचते हैं कि आजाद हैं, हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमारी जिंदगी की सबसे कमजोर कड़ी वो हमारा व्यक्तिगत जीवन है। क्यों? क्योंकि इस पर दो व्यक्तियों की नजर रहती है, एक परमेश्वर की और एक शैतान की। और यदि परमेश्वर की नजर हम पर टिकी रहती है और हमारी नजरें परमेश्वर पर टिकी रहती हैं, तो प्रियजनों शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, शैतान हमारी व्यक्तिगत जीवन को अपने वश में करने का पूरा पूरा प्रयास करता है। और एक बार जब उसके वश में इंसान आ जाता है तो प्रियजनों वो इंसान का जीवन नष्ट करने लगता है, उसे लुभाने लगता है, उसे दिखाने लगता है। शुरुआत में उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि उसने हेवा को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, उसने कहा कि ये फल खा लो और तुम ईश्वर के जैसे बन जाओगे। लेकिन हेवा नादान थी, वो समझ ही नहीं पाई कि वो तो पहले से ही परमेश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो प्रलोभन में पड़ गई। आज वही प्रलोभन वो दुनिया के तमाम लोगों को, नवयुवक और युवतियों को देता है। उस वक्त उसने प्यारे भाइयों और बहनों आदम और हेवा को वो फल दिखाया, लेकिन आज नई पीढ़ी को, नौजवानों को, नवयुवक युवतियों को फेसबुक के द्वारा वो दिखाना चाहता है, यूट्यूब के जरिए वो दिखाना चाहता है, सोशल मीडिया के जरिए उनको दिखाना चाहता है, सड़कों पे वो आपको अनेक प्रकार के नज़ारे दिखाता है, मॉल्स में आपको अनेक प्रकार के नज़ारे दिखाता है, महखानों में
अनेक प्रकार के नज़ारे दिखाता है। आज के दुनिया में जो नाइट लाइफ है लोगों के जीवन की, उसके द्वारा वो आपको बहुत सारे प्रलोभन देता है, दिखाना चाहता है कि देखो ये कितना सुंदर है, देखो तुम इसमें जाओगे तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा, इसको तुम प्राप्त कर लोगे, तुम पैसा डबल कर सकते हो, यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ऐसा करो, तुम ऐसा करो। ये तमाम बातें वो इंसान को, नौजवानों को और बच्चों को दिखा रहा है और दुनिया अंधाधुंध उसका पालन कर रही है। वो समय बहुत देर हो चुकी होती है जब उनका सब कुछ लूट जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, उड़ाऊ पुत्र को भी उसने दिखाया, देखो तुम्हारे बाप के साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि वो तो एक धर्मी व्यक्ति है, तुम यहां रहकर, इसके साथ रहकर मजे नहीं कर सकते हो, तुम अपना हिस्सा ले लो और तुम जाओ अपने मित्रों के साथ खाओ पियो ऐश करो। इस तरह की बातें कौन डालता है मन में? क्या परमेश्वर इस तरह की बातें डालेगा? परमेश्वर तो सत्य है प्यारे भाइयों और बहनों, उसे धार्मिकता प्रिय है, उसे पवित्रता प्रिय है, विनम्रता प्रिय है, शांति प्रिय है। तो वो इन तमाम बातों को दुनिया को कैसे सिखा सकता है? ये केवल शैतान, जो बुराई का पिता है, जो पाप का पिता है प्यारे भाइयों और बहनों, वही ऐसे काम करके दुनिया को प्रलोभन दे सकता है। इसलिए हमें इन तमाम बातों पर मनन चिंतन करके प्रभु की ओर लौटने की आवश्यकता है। मैं कुछ वचन आपके साथ पढ़ना चाहूंगा कि प्रभु यीशु प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में यह कहता है, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। और यूहन के सुसमाचार में हमने पढ़ा कि जो अपने भाई से बैर करता है उसमें पिता का तत्व नहीं है, वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि हत्यारे में जीवन नहीं है, अर्थात क्षमा नहीं कर पाना भी हमारे जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों आशीषों को ब्लॉक करता है। इसलिए अपने जीवन से, बंधनों से आज़ाद हो जाइए। अनेक प्रकार के बंधन है, मैंने आपको कुछ बातें बताई, आप मनन चिंतन करके और तमाम बातों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो प्रभु का वचन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 में ये कहता है कि यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ, यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया है, तो तुमने अपने भाई को बचा लिया है। याद रखिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठा रहेगा। यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा और तुम्हें नष्ट करने के लिए सोचता रहेगा। प्रवक्ता लिखता है अध्याय 17 पद संख्या 17 में, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 17 वर्स 17, उनका अधर्म उससे छिपा नहीं है, उनके सभी पाप प्रभु के सामने हैं। तो इन तमाम बातों से हम आजाद हो सकते हैं, जैसा कि प्रभु ने यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में कहा कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। जैसे ही हम प्रायश्चित करते हैं, गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, तो आशीषें हमारे घर में, हमारे जीवन में आने लगती हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन तमाम बंधनों से, इन बाधाओं से हमें आज़ाद करे, हमारे पापों से हमें आज़ाद करे, हमारे बुरे कर्मों से हमें आज़ाद करे और ईश्वर के मार्ग पर चलने की हमें कृपा प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में शांति आ जाए, उद्धार आ जाए। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। आज का ये वचन तेरे इन बच्चों के जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए,
आज के ये वचन इनके जीवन में उद्धार, शांति और चंगाई प्रदान करें। हम पाप से बचे रहें, तेरा वचन हमारा पथ आलोकित करे, हर रोग बीमारी से, बुराई से, शैतानी बंधनों से हमें आजाद करे, हम अपने भाई बहनों को क्षमा करने वाले बन सकें, तेरे वचन को प्यार करने वाले और उस पे चलने वाले बन सकें। हमें आशीष प्रदान कीजिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।